अमन विंजवे। ऑल ओवर परीक्षा कैसी आ रही है? परीक्षा तो बहुत सही है। एग्जाम मॉडरेट आ रहा है? इजी आ रहा है? इजी है, इजी इजी। हाईएस्ट लैब में नंबर कितने आए? हमारा लैब में तो 132 आया। 132 आसपास आपने पूछा होगा नंबर? हाँ नहीं, मतलब जो हाई था वो आई थिंक मेरे हिसाब से तो 132 था, क्योंकि हमारी क्लास में मैंने उसी का देखा था। तो आपने आसपास पूछा होगा नंबर? तो 132 था। 132 हाँ। कोई क्वेश्चन याद हो किसी भी सब्जेक्ट के आपको? क्वेश्चन तो याद है बट जैसे कि हम साइंस की बात करें, साइंस टॉपिक याद हो, क्वेश्चन याद हो? हाँ ऐसा मतलब रुको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में एक था कि ये जो महेश्वर फोर्ट वगैरह जो है वो मतलब किसने बनवाया था, अहिल्याबाई वाला राज का, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। तब साइंस के थे, मतलब जो जनरल क्वेश्चन थे वही आए थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। थैंक यू। हर्ष जायसवाल है मेरा नाम। तो ऑल ओवर परीक्षा कैसी आ रही है? कैसा ऑल ओवर एग्ज़ाम कैसा आ रहा है पेपर? एग्ज़ाम अच्छा था 2016 के 17 के बाद, अब जो निकला है तो थोड़ा देने में मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ नया उसमें क्वेश्चंस, मतलब जो नए टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखने को मिले, और मैथ्स भी अच्छा आया था इस बार। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर आपने कितना सुना? मेरे लैब में 130 था हाईएस्ट। 130 आपके कितने आए? मेरे 78 आए। 78 आपको कोई टॉपिक याद हो जिनसे प्रश्न पूछे गए किसी भी सब्जेक्ट का हिंदी से? टॉपिक तो ऐसा कुछ खास याद नहीं है मुख्य, क्योंकि एक घंटे एक्स्ट्रा रोक लिया तो थोड़ा दिमाग भी वैसा हो रहा है। लेट किस वजह से हो रहा है? सर्वर डाउन हो रहा है? सर्वर के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है अंदर, एक दो घंटे लेट छूट लेट ही छूटे हैं। मतलब मैनेजमेंट से क्वेश्चन कोई टॉपिक याद हो, इजी आ रहा है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मतलब ना इजी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतने समय के बाद अगर एग्ज़ाम आई है तो मतलब गवर्नमेंट भी उतना ईजी तो देगी नहीं, मतलब मीडियम था लेकिन अच्छा था पेपर, मज़ा आया देखने में। मैथ्स की कोई टॉपिक याद हो जहाँ से प्रश्न पूछे? मैथ्स में पजल टाइप का था थोड़ा, मतलब एक चीज़ वो बोल सकते हैं कि पहली टाइप है उसको सॉल्व करना, वहाँ उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। रीजनिंग से कोई टॉपिक याद है? रीजनिंग से अभी तो ऐसा कुछ याद है नहीं इतना। ठीक है, थैंक यू। उधर आशा दीजिए। सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा, आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितने सुने आपने? शायद 133 सुने थे। 133 आपके आसपास दोस्त थे उनके नंबर समथिंग यही थे रहे थे, जैसे मेरे 104 थे, एक दीदी थी बगल में उनके 105 थे, समथिंग यही रहे थे। समथिंग यही जा रहा है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा परेशान किस सब्जेक्ट में किया? मुझे तो जैसे मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने इंग्लिश में पढ़ता नहीं हूँ तो इंग्लिश नहीं पढ़ी, और मैथ भी नहीं लगाया था। कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर? इंग्लिश में आइटम्स पेरेंट्स पूछे जा रहे हैं, और अरेंजमेंट पूछी जा रही है सेंटेंस वाली, और बाकी मैथ्स के कोई टॉपिक याद हो जा सकता? मैथ्स हाँ, पाई चार्ट है मैथ से, और मैथ्स के कैलकुलेशन हाँ सिंप्लीफिकेशन के आए थे। प्रॉफिट लॉस का नहीं था, प्रॉफिट लॉस का नहीं। अंक गणित से ज़्यादा आ रहे हैं एडवांस? एडवांस के तो एडवांस के भी आ रहे हैं, और अर्थमेटिक भी आ रहे हैं, अर्थमेटिक के ज़्यादा लगे मेरे को। अच्छा, जीके से क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछे जा रहे हैं? जीके एमपीजी के में हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा गहराई में पूछी है, जैसे एक था हसू और हद्दू किस किस संबंध थे, तो जिले के नाम पूछे थे, तो ऐसे थे क्वेश्चन एमपीजी के। कोई क्वेश्चन हाँ करंट थे, करंट क्वेश्चन करंट के थे, दो चार क्वेश्चन करंट के भी मिले थे। कौन से क्वेश्चन थे करंट के? अभी फिलहाल याद तो नहीं आ रहे, लेकिन 2021 का करंट पूछा था। हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं? ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन मिला था, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 25-25 नंबर सेपरेट आ रहे? नहीं, कोई मिक्सअप भी नहीं है और सेट भी नहीं है, ऐसे ही जैसे 8-10 क्वेश्चन एक हो गए और फिर 8-10 क्वेश्चन एक हो गए, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। हिंदी का लेवल कैसा आ रहा है? हिंदी एकदम सिंपल आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी में, एकदम एकदम ईजी है। इंग्लिश थोड़ी मेरे को टफ लगी क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी इसीलिए, और सिंपल है बाद बाकी तो, और वो भी रीजनिंग भी एकदम सिंपल थी, एक दो क्वेश्चन थे जो थोड़ा टफ थे, नहीं तो पेपर एकदम बहुत अच्छा था। दो मिनट। हाँ जी सर, उधर राजपूत अकेडमी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र सिंह, आपके नंबर कितने आए? मेरे नंबर 108 है। 108 आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर? मेरी मालूम नहीं पड़े लेकिन 131 के करीब बता रहे थे। 131 आसपास आपने पूछा? जी जी जी। आपके कोई आसपास वालों के नंबर याद हो? जी 131 है। 131 जी। अच्छा, आपको किसी विषय के क्वेश्चन याद हो जैसे मैनेजमेंट की बात करें? सर मैनेजमेंट से क्वेश्चन बस हार्ड आ रहे थे, मैंने नहीं उसमें थोड़ा कम मेरे को मालूम ही नहीं था सब्जेक्ट के। रीजनिंग के कोई टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछे गए हो? हाँ रीजनिंग के कथन निष्कर्ष से थे आपके, और आपके
कई टॉपिक से थे, कुल मिला के कथन निष्कर्ष बढ़िया था। विज्ञान में कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहा है, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से? बायोलॉजी से ज़्यादा आ रहे हैं। बायोलॉजी तो क्वेश्चन याद हो बायोलॉजी के? बायोलॉजी कोशिका से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कोई था। अच्छा, जीके में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके में कहाँ से पूछे जा रहे हैं? जीके में हिस्ट्री से भी थे, एक जो ज्योग्राफी से, सभी थे, सभी से। हाँ, मिला जुला के सारा सही रहा। अच्छा, एक सब्जेक्ट और, कंप्यूटर में कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन? कंप्यूटर में तो की तो पूछा, शॉर्टकट की तो पूछा नहीं गया था आज के उसमें, शॉर्टकट की कम था। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हाँ जी, सभी से आ रहा है। जी। अच्छा, आपको आर्ट विषय में से इजी कौन कौन से सब्जेक्ट थे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बन जी? तो मैं ज़्यादातर रीजनिंग और मैथ से ही हूँ, तो वही मेरे को पोर्शन ठीक लगा। अच्छा, हिंदी टफ आया? हाँ, हिंदी बढ़िया था। हिंदी, इंग्लिश भी नॉर्मल है, हिंदी भी नॉर्मल है। मैनेजमेंट भी? हाँ, मैनेजमेंट तो पढ़ा होगा तो नॉर्मल है, नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ दिक्कत हो सकती है वो सब्जेक्ट कौन से होंगे जहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा? वो मैनेजमेंट में प्लस मैथ में भी है, थोड़ा सा मेहनत किया है तभी है उसमें स्कोर कर सकते हैं। प्लस रीजनिंग और मैनेजमेंट, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पे स्कोर करने में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। बाकी हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, इनमें नॉर्मली, हाँ नॉर्मली कर देगा बंदा जो भी है। हाँ बिल्कुल, जीके भी नॉर्मली आ रहा। जी। ठीक है सर, आपका नाम और बताओ। ओके, मेरा नाम पुष्पिन सिंह। कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आया हूँ। ठीक है।